सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनको वेलकम, और जो लोग दोबारा आ रहे हैं उनको वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 7 मिथिकल जोन डेविल फ्रूट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है, यामाटो या फिर बोआ ऑन माई कॉक? कॉमेंट कर ज़रूर बताना। और अब इकसो, सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं इन डेविल फ्रूट्स के बारे में, जो कि है 4 टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है हमारा स्टैंडर्ड टाइप, जिसमें सारे बेकार के डेविल फ्रूट्स आते हैं, यानी इसमें सारे एनिमल्स रहते हैं किसी भी तरह के, और कुछ उतना स्पेशल नहीं होता है। और जो दूसरा टाइप है वो है हमारा एंशिएंट टाइप, जिसमें सारे एंशिएंट डेविल फ्रूट्स आते हैं, मतलब सारे एंशिएंट क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे कि ड्रैगन या डायनासोर। फन फैक्ट, ज़्यादातर जो इनमें से डेविल फ्रूट है वो हमारे काइडो के क्रू में है। और जो थर्ड टाइप है वह है आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट, जो कि बनाया था डॉक्टर वेगा पंक ने। हालांकि वह एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन फिर बाद में सीजर क्लाउन उसमें अपना SAD सब्सटेंस ऐड करता है और वह बन जाता है एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग आज स्माइल डेविल फ्रूट के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी भी इसमें बस 10% चांस ही रहता है कि वह तुम्हें पावर देगा, और जो बाकी का 90% तुम बस अपना तैरने का एबिलिटी खो दोगे और साथ ही साथ अपना इमोशंस भी खो दोगे, जो कि हमने वानो आर्क में देखा है। अब फोर्थ टाइप पे आता है मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट, जो कि जोन टाइप में सबसे ज़्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट इनको ही माना गया है। और यह तुम्हें मिथिकल जोन क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प तो करता ही है, पर साथ ही साथ तुम्हें एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ भी देता है, और आज हम लोग इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो नंबर 7 पे मैंने रखा है मेरे फेवरेट डेविल फ्रूट को, जो कि है मार्को का डेविल फ्रूट तोरी तोरी नोमी। यह फ्रूट मार्को ने तब खाया था जब वो वाइट बेड के शिप में नया था और आज की तरह स्ट्रांग नहीं था। यह डेविल फ्रूट उन गिने चुने डेविल फ्रूट्स में से एक है जो कि तुम्हें उड़ने में हेल्प करता है वन पीस वर्ल्ड में, पर यह इसका स्पेशल पावर नहीं है। सारे जोन डेविल फ्रूट की तरह हमें इसमें स्ट्रेंथ और रिकवरी में बूस्टअप तो मिलता ही है, पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वह है इसका रिकवरी और रीजनरेशन पावर। मार्को अपने ब्लू फ्लेम से अपने आप को हील कर सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है, बिल्कुल एक लोग या यूजर की तरह। हालांकि यहां पर मार्को अपने ब्लू फ्लेम से बाकियों को भी हील कर सकता है, जो कि इसको एक ज़्यादा एडवांटेज देता है किसी भी लोगिया यूजर से। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इसको लोगिया से टक्कर देता है, अगर तुम किसी लोगिया यूजर को हिट करते हो तो वो लोग वापस खुद को रीजेनरेट कर लेते हैं, राइट? पर अगर तुम उनको आर्मेमेंट हाकी से हिट करते हो तो उनको एक्चुअल डैमेज लगता है, पर मार्को के केस में अगर तुम उसको हाकी से भी हिट करोगे तो वो वापस खुद को रिकवर कर लेगा। लेकिन ऐसा बस एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैमिना बीच में आ जाता है, लोग या यूजर्स में स्टैमिना का कोई काम नहीं होता। इसी वजह से मार्को बैटल में छोटे मोटे स्क्रैचेस को हील नहीं करता, क्योंकि वो बेकार में स्टैमिना खाता है। नंबर 6 में है सेनगुकू का डेविल फ्रूट हितो हितो नोमी मॉडल दाइबुत्सु। सेनगुकू अपने टाइम में रॉजर सी की वाइट बियर्ड जैसे फेमस पायरेट से लड़ चुका है, सो विदाउट अ डाउट यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स में से एक है, और इस वजह से यह फ्लीट एडमिरल भी रह चुका है, एंड करेंटली वह एक इंस्पेक्टर जनरल है। यहाँ तक आने में सेनगुकू का डेविल फ्रूट भी उसके लिए काफ़ी बड़ा हेल्प था। एज वी नो, सेनगुकू एक जाइगेंटिक गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड अपने हाथों से शॉकवेव एमिट कर सकता है, जो कि व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट गुरागुरा नोमी से थोड़ा सिमिलर तो है, पर दोनों तब भी काफ़ी अलग हैं। सेनगुकू अपने बुद्धा फॉर्म में काफ़ी बड़ा तो हो जाता है, उस तरह नहीं, डबल मीनिंग मत समझना, उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है वह है उसका ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी यानी कि कहूँ तो उसका आर्मर वाला चीज़, जो कि वो एक गोल्डन चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि एक मेटल है, तो यप वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है एंड उसको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर्सनली मुझे ये डेविल फ्रूट काफ़ी अजीब लगता है, बट सच कहूँ तो मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स में से एक है, शायद टॉप 20 में से एक।
नंबर 5 पे है एक और हितोहितो नोमी पर मॉडल है ओनियोदो या ओनियोदो जो भी तुम कहो। तो ये डेविल फ्रूट खाया है हमारे ओनिमारू ने, हाँ जो कि वानो में है और वह एक फॉक्स था, लेकिन खाने के बाद वह एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अनलाइक चॉपर्स डेविल फ्रूट जो कि एक हितोहितो नोमी है, चॉपर भी एक हितोहितो नोमी डेविल फ्रूट यूज़र है जो कि उसको ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प किया था, पर यहाँ पर चॉपर का बॉडी चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस केस में ओनिमारू जो कि एक फॉक्स था वह लिटरली एक ह्यूमन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि उसका दिल, दिमाग, स्किन और डिक सब एक ह्यूमन का ही हो जाता है और वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात भी कर पाता है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, क्या होता अगर चॉपर ये वाला डेविल फ्रूट खाता तो क्या वो आज की तरह दिखता, या फिर वो ह्यूमन फॉर्म में अजीब दिखता या फिर क्यूट दिखता? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो आज ही बहुत क्यूट दिखता है ऐसे ही। सो ये वाला डेविल फ्रूट ज़्यादा सही है। ओके सो वीडियो ब्रेक। तो मैंने कहा था कि पेटिशन चाहे जो हो जाए मत बनाना, पर अब पेटिशन किसी ने बना ही दिया है तो क्या करें। तो इसी वजह से जाके पेटिशन को साइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब हमें यह बताना है कि वन पीस फिल्म रेड को देखने की ऑडियंस है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है। मेरे ख्याल से फिलहाल 2000 लोगों ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिन लोगों ने नहीं किया है जाके कर लेना भाई, क्योंकि हमें यह मूवी इंडिया में चाहिए। ओके सो कमिंग बैक टू द वीडियो। तो अब आगे वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो सबको पता क्या करना है राइट, मतलब जो लोग मांगा पढ़ते हैं तो रुक जाओ, जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो तुम्हारी मर्जी यार। तो अब नंबर 4 पे है हैबी अभिनोमी मॉडल यामातो नो ओरोची। सबसे पहले तो ओरोची इज़ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर मेरे लिए, मैं इसको सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, उस पर ये सबसे टॉप पे आता है। मुझे यार इसके बारे में बात करने से ही चिढ़ा रहा है, तुम्हें पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ से। तो इसने जो खाया है वह इसको हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म होने में एक 8-headed snake में, यानी 8 सर वाले सांप में। और यह चीज़ अभी तक कंफर्म तो नहीं की गई है, पर ऐसा देख के तो लगता ही है और यह ऑब्वियस भी है कि ये इसके पास जो 8 सर है वही इसको 8 life प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर इसमें लिमिट नहीं रहा तो ऑब्वियस ही बात है वह इमॉर्टल बन जाएगा, और वो वन पीस वर्ल्ड में वैसे भी काफ़ी रेयर होता है। तो ओरोची पे 8 life है और सबको पता है कि अभी क्या होने वाला है या क्या हो चुका है अगर मैं वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ तो। सो नंबर 3 पे है इनुनोनोमी मॉडल क्यूबिनो कित्सुने। तो इसे खाया है कैटरीना डिवॉन ने, जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की एकलौती फीमेल पायरेट मेंबर है। अगर इस डेविल फ्रूट के पावर्स के बारे में बात की जाए तो यह तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है एक 9-tail फॉक्स में, नहीं मैं कुरामा की बात नहीं कर रहा। और इसके एक और एबिलिटी है कि इसके हेल्प से तुम किसी और पर्टिकुलर पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, यप जस्ट लाइक हमारे बॉनक्ले भैया। बट फर्क इतना है कि बॉनक्ले अपने कपड़ों को चेंज नहीं कर पाता था और यहाँ पे उसका कपड़ा भी चेंज हो जाता है उसके आवाज़ के साथ। तो ये होता है भाई मिथिकल जोन होने का एक फ़ायदा। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, एज़ यू नो ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को थोड़ा सस्पेंस में रखा जा रहा है, एक्चुअली हर चीज़ को सस्पेंस में रखा जा रहा है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मिस्ट्री सॉल्व हो यार। सो नंबर 3 पे है ओवो नोमी मॉडल सीरियू। एंड ये डेविल फ्रूट सिर्फ मिथिकल जोन में नहीं बल्कि जोन में भी नहीं, पूरे वन पीस सीरीज में जो भी डेविल फ्रूट है उसमें ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स में से एक है। एंड इसे खाया है नन अदर देन काइडो, और यह डेविल फ्रूट काफ़ी टाइम पहले बिग मॉम ने काइडो को दिया था एंड यह उसको एक मछली में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता था। यप सही सुना, एक मछली। एंड सबको पता है यार एक मछली कोई काम का नहीं वन पीस वर्ल्ड में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सी वाटर में मछली वाला पावर्स उसको कोई काम नहीं देगा। हालांकि इस डेविल फ्रूट को अवेकन करने के बाद वह एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यप जस्ट लाइक मैजिक कार्प इन द पोकेमॉन। पर यह डेविल फ्रूट में जब वो अपने तीसरे फॉर्म या फिर बोले तो हाइब्रिड फॉर्म में जब वो रहता है तब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकता है और अटैक्स को काफ़ी अच्छे से डॉच कर सकता है। काइडो को अपने डेविल फ्रूट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग एबिलिटीज भी मिलते हैं, जैसे कि बोलो ब्रीथ जो कि इतना स्ट्रांग है कि वह एक माउंटेन को आराम से वाइप आउट कर दिया था, और काइफू और तात्सुमाकी जैसे अटैक्स भी हैं उसके पास, और वह अपने ड्रैगन फॉर्म में माउंटेंस जैसे चीज़ों को भी उड़ा सकता है अपने उस फ्लाइंग या फिर फ्लोटिंग क्लाउड्स की हेल्प से, जिससे वह खुद भी उड़ता है।
इसके हेल्प से ही वो ओनिगासिमा को ही उड़ा दिया था। तो यार तुम सोच सकते हो कि यह अकेला डेविल फ्रूट क्या क्या चीज के केपेबल है। नो वंडर यह एक योंको का डेविल फ्रूट है। सो अब नंबर वन पे है एक और इनुनुनोमी जिसको डॉग डॉग फ्रूट भी बोलते हैं बाय द वे, मॉडल ओकिची नो माकामी। अब कॉमेंट में इससे पहले कि तुम लोग बोलो कि काइडो का डेविल फ्रूट नंबर वन पे क्यों नहीं है, तो यार मेरी वीडियो है मेरा मन। सबसे पहली बात कि यार ये वीडियो रैंक्ड नहीं है, तो मैं बस रैंडमली चीज़ों को, प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये डेविल फ्रूट खाया है यामाटो ने एंड ये उसको हेल्प करता है एक डॉग या फिर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, मतलब मैं तो देख के मुझे लगता है ये वुल्फ है, पर बहुत लोग कहते हैं ये डॉग है। एंड इसका हाइब्रिड फॉर्म भी है और इसमें यामाटो काइडो को बहुत देर तक रोक पाई थी। मतलब अभी तक काइडो को सबसे जो तगड़ा टक्कर जो दिया है ना, वो यामाटो ने ही दिया है। तो यार नो वंडर ये डेविल फ्रूट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर यप, यहाँ पे यामाटो का भी काफ़ी बड़ा हाथ था, वो यामाटो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उस पर तीनों हाकी भी तो है। पर मेरे ख्याल से यह डेविल फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसके और भी एबिलिटीज़ होंगे जिसको आगे रिवील करना बाकी है। तो यार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे एक और डेविल फ्रूट के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाया, और वह है मोमोनोसे का डेविल फ्रूट। तो यार यह डेविल फ्रूट काइडो की डिट्टो कॉपी है। जो काइडो का जो डेविल फ्रूट है और मोमोनोसे का जो डेविल फ्रूट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मोमोनोसे भी एक फ्लाइंग जो भी उसका क्लाउड है यार, वो बना सकता है और मुझे यकीन है कि वो बोलो ब्रीद अटैक भी कर सकता है आगे जाकर। और यार जो लोग मांगा पड़े हैं उनको पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये काइडो की कॉपी है। अगर देखा जाए तो यह एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट की ही कॉपी है, तो इसको मिथिकल जोन में ही गिनना चाहिए। बट टेक्निकली यह एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट है, तो ऑफकोर्स ये आर्टिफिशियल में ही जाएगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हो। हालांकि अब उसका फ़ायदा है नहीं क्योंकि YouTube ने कांड कर रखा है। और यार कमेंट कर बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और यह तो ज़रूर बताना कि यामाटो या फिर बुआ ऑन माय कॉक। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।